संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। संघर्ष करोगे तो हर्ष होगा, संघर्ष को ही घिसना पड़ता है, धीरे धीरे वहीं से हर्ष निकलता है। आप पढ़ाई के लिए कहीं बैठे हैं, आप व्यवसाय के लिए कहीं बैठे हैं, आप किसी और प्रकार की विचित्र प्रकार की साधना के लिए कहीं बैठे हैं और संघर्ष को देख करके भाग जाते हैं। ये जो व्हाट्सएप पे देखने वाले हीरो हीरोइन होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, जिनको जो बनने की आपकी चाहत होती है, आप इनके व्यक्तिगत और निजी जीवन को भी देखिएगा। इतना संघर्षमय जीवन होता है इन लोगों का कि 12-12, 8-8 घंटे तक सप्लीमेंट्स खाते हुए और दुनिया भर की चीजों का भक्षण करते हुए जिम में बैठे रहते हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं। क्यों? बॉडी सही दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? और 5 मिनट की उनकी चेहरे की मुस्कुराहट या थोड़ा सा फोकस दिखता है और आपकी भावना बनती है कि अरे इसका तो बहुत तेज पुण्य है। जब पाप करने वाले लोगों को भी अपने पाप की व्यवस्था बनाने के लिए दिन भर संघर्ष करने पड़ते हैं, उनके डाइटिशियन रहते हैं, न्यूट्रिशियंस रहते हैं, उनके जिम ट्रेनर्स रहते हैं, उनके साथ रहने वाले दुनिया भर के लोग रहते हैं, 12-12, 8-8 लोगों के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर के लिए हीरो दिखाई देता है, लेकिन संघर्ष वो भी करता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है बेटा। कितना मान लो कोई एक्टिंग भी करते हैं तो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, पूना में, बॉम्बे में, वहां पर जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बार बार रिजेक्शन होता है, बार बार उसके पेपर्स होते हैं, फिर जाकर के वो फिल्मी करियर में सामने आकर के दिखाई देते हैं जिसको आप आइडियल समझते हैं। ये बात अलग है कि वो जब सब चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपको सिर्फ बिगाड़ने का काम करते हैं। जब उनकी एक्टिंग बिल्कुल सही हो जाती है तब वो कबीर खान जैसी मूवी निकालते हैं जिसमें सिर्फ दारू सिगरेट और महिला के अलावा किसी बात के लिए इंस्पायर नहीं किया जाता। आप उनको देखते हैं और अपना घर बिगाड़ते हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन यहां तो कृतिकार धरती माटी से कहती है बेटा संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। इसमें वो जो कहानी मुझे याद आती है, आप लोगों ने हो सकता है पहले सुनी भी हो, कि एक किसान था और जब भी वो खेत में गेहूं बोता उसी समय बारिश आ जाती, उसी समय आंधियां चलने लगती, उसी समय कई बार सूखा पड़ जाता। हर बार किसान की मेहनत में प्रकृति पानी फेर देती, हर बार प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप दिखाई देता कि उसकी फसल खराब हो जाती। आज तो आप लोग भगवान से संवाद करने की बात नहीं कर पाते, लेकिन उस समय उस किसान की भगवान से बात होती थी, क्योंकि रूपक है, उदाहरण के माध्यम से बात समझाई जाती है। तो रूपक में सब बोलते हैं, किसान बोलते हैं, गेहूं बोलता है, मिट्टी बोलती है, धरती बोलता है, कुंभ बोलता है, अग्नि बोलती है। जब आप कुछ स्टोरी या नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें हर व्यक्ति को बोलने की क्षमता आ जाती है। तो वहां पर वो किसान भगवान के पास जाकर के कहता है इतनी मेहनत करता हूं और आप सब बर्बाद कर देते हो, आपको इतना भी विवेक नहीं है कि किसानों ने धरती पर इतनी मेहनत करके और फसल बोई है कि कब पानी बरसाना है, कब धूप निकालना है, कब हवा चलानी है, कब शांत रहना है, कब ठंडक पैदा करनी है, कुछ पता ही नहीं है, जब मर्जी आए जो कर दिया। 5 साल से देख रहे हैं पूरी फसल बर्बाद होती है, इससे अच्छा तो मैं आपकी जगह होता तो सही काम कर लेता। भगवान प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा करके बोलते हैं अच्छा एक काम करते हैं, अगली बार तुम्हारी मर्जी से प्रकृति बदलेगी, तुम जब चाहोगे धूप निकलेगी, तुम जब चाहोगे बारिश, तुम जब चाहोगे ठंडक, तुम जब चाहोगे दिन, तुम जब चाहोगे रात, सब तुम्हारी मर्जी से होगा। 5 साल का कोटा जो तुमने खराब किया है तुम पूरा कर लेना, अगली बार सब किस चीज तुम्हारे हाथ में। किसान बोलता है पक्का पक्का, हाँ तो फिर ठीक है। अगला सीजन आया, भगवान ने कह दिया आज से सारी प्रकृति तुम्हारे हाथ में। किसान ने कहा बादल, मई के गर्मी में बोला बादल चाहिए, क्यों? क्योंकि सूखी मिट्टी खोदेंगे तो बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा पानी डलेगा, मिट्टी थोड़ी गीली होगी, मेहनत कम लगेगी, खुद जाएगा। उसने मई के महीने में कहा बादल, पानी, बादल बरस गए, उसने हल चलाया मिट्टी खुद गई, कम मेहनत में सारा काम। उसने कहा सूखा, सूखा होने धूप दिखने लगी, उसने बीज डाला, खेत को बराबर लैंड कर दिया, फिर उसने कहा पानी, फिर 7 दिन बाद पानी गिरा, फिर वो 7 दिन बाद कहता है धूप, तो धूप निकल आई। किसान सोचता है क्या अद्भुत है, जब जैसी चाहता हूं वैसा सब मिलता चला जाता है। आपके घरों में भी आपके बच्चों के साथ यही व्यवस्था है,
बच्चे जो जब चाहते हैं सब मिलता चला जाता है। माँ एंड्रॉयड दे दिया, माँ कपड़े दे दिया, माँ चाबी दे दिया, माँ गाड़ी दे दिया। आपके बच्चे ने जो मांगा आपने वो अपने बच्चे को दे दिया। संघर्ष कोई चीज ही नहीं है। थोड़ा भी करने की बात करो तो बच्चे आंसू बहाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, फिर माँ बोलती है अरे ले लो चलता है, दे दिया। अब वो किसान ने जब धूप गर्मी बारिश ठंडक पानी रात दिन सब अपनी मर्जी का कराया और फसल ऐसी लहलहाने लगी मीलों दूर तक, बिल्कुल पीली पीली पकी पकी अच्छी बड़ी बड़ी फसल, और किसान देख करके खुश होता है और कहता है भगवान को बताऊंगा कि देखो व्यवस्था इसको कहते हैं, इस तरीके से सृष्टि पर विकास होता है, तुम प्रभु होकर के नहीं समझ पाए। कटने का टाइम आया, फसल को देख करके किसान इतना खुश था, कटने का टाइम आया और जब कटाई का वक्त देखता है किसान कि फसल बड़ी है पीली है घनी है अच्छी फली है लेकिन उसमें दाना नहीं है, फिर माथा पकड़ता है, फिर भगवान के पास जाकर के बोलता है ये क्या नौटंकी है, क्या नौटंकी है। भगवान बोलते क्या, बोले सब कुछ है उसमें दाना नहीं है जिसके लिए फसल करी थी। तब प्रभु कहते हैं वो दाना अनुकूलता में पैदा नहीं होता, संघर्षों में पैदा होता है। फसल तो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में खड़ी हो सकती है, पुत्र की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, धन की उत्पत्ति, व्यवस्थाओं की उत्पत्ति तो किसी भी परिस्थितियों में हो सकती है बंधुओं, लेकिन उसके अंदर जो भाव होना चाहिए, वो जो दाने में वजनदारी होनी चाहिए, वो वजनदारी तो संघर्ष में ही पैदा होती है। और बच्चे को हम संघर्ष देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो दुख हमने भोग लिया आपने तो संकल्प कर लिया है कि अपने बच्चे को भोगने नहीं देंगे।